खालसा का जन्म स्थल आनंदपुर साहिब मेजबानी करता है सिखों के त्योहार होला मोहल्ला की। ये दुनिया में सिखों के सबसे बड़े समागमों में से एक है। त्योहार के वक्त 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जमा होकर गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। और जाबाज निहंगों की बहादुरी और हुनर का दीदार करते हैं। इस मौके पर शहर में करीब 200 लंगर लगाए जाते हैं और इन सबके बीचों बीच होता है केशगढ़ साहिब का सबसे बड़ा लंगर। आइए देखें कैसे पवित्र शहर आनंदपुर साहिब तब्दील होता है एक मेगा किचन में। उत्तरी पंजाब में आनंद की पवित्र नगरी या आनंदपुर साहिब दुनिया भर के 3 करोड़ से ज्यादा सिखों की आस्था का केंद्र है। इस पवित्र शहर की बुनियाद डाली थी सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक के इतिहास में इसकी एक खास जगह है। शहर के बीचों बीच है दूध से नहाया सा गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब, जो एक ईश्वर को मानने वाले इस धर्म के 5 तख्तों में से एक है। 1699 में इसी पवित्र गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हजारों की भीड़ के सामने सिखों को योद्धा संतों का पंथ बनाने का फैसला लिया था, जिसे उन्होंने नाम दिया खालसा पंथ। ज्ञानी माल सिंह साहेब गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथी हैं और सिख धर्म के इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। ये तख्त श्री केशगढ़ साहेब का पावन इतिहास है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पवित्र स्थान पर तख्त श्री साहेब की स्थापना करके दीवान सजाते हुए वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहेब पर पंच प्यारियों की परख करके उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा शब्द अरबी के खालिस से आया है यानी प्योर, मगर असल में इसके मायने हैं स्पिरिचुअल प्योरिटी यानी आध्यात्मिक शुद्धि। धर्म के इतिहास में आनंदपुर साहिब का महत्व तब और गहरा हुआ जब 1701 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं के रंगों के त्योहार होली के अगले दिन कविता प्रतियोगिता और युद्ध कलाओं के प्रदर्शन की नई परंपरा शुरू की। उत्सव को नाम दिया गया होला मोहल्ला या फौज की ललकार। इस उत्सव में लाखों बहादुर निहंग या हथियारबंद सिखों के अखाड़े जमा होकर शहर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये खालसा जिसे अकाल पुरख की फौज बनाया और उस त्योहार को होली से होला नाम दिया। ये जो रंग था उसके लिए गुरुजी ने कहा कि ये जो रंग है दिखावे का नहीं है, रंग चाहिए खालसा को नाम का। झूठा रंग तो कपड़े पर पहले ही चढ़ा हुआ है। सदगुरु ने जब होले मोहल्ले का त्योहार होना था, जैसे बैसाखी पर संगत इकट्ठी हो वैसे ही तखत श्री केशगढ़ साहिब से हुक्मनामे भेज कर सदगुरु ने लोगों को एकजुट कर दिया। फिर सदगुरु ने सबको हुक्म दिया कि भाई अब ये होली रंगों से बिल्कुल भी नहीं खेलनी है, अब इस होली को होले मोहल्ले के साथ खालसे के साथ खेलना है। जब पंथ इकट्ठा होता है, एकजुट होता है एकता के रूप में, यहाँ जहाँ चाहत के साथ खालसे का जाहो जलाल देखने को मिलता है, उत्साह भी दिखता है, तब वहाँ सबके भले के लिए अरदास भी की जाती है। पूरे विश्व में ये खालसा का यानी खालसा पंथ का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। गुरुद्वारे के इंचार्ज हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर हरदेव सिंह, जो कई मौकों पर होला मोहल्ला त्योहार की कमान संभालते हुए इस पवित्र शहर में हर साल
लाखों लोगों को जमा होते हुए देख चुके हैं। सिखों का एक ही त्यौहार होला मोहल्ला ऐसा त्यौहार है जो आनंदपुर साहब में मनाया जाता है। इसमें सिखों की सबसे ज़्यादा गैदरिंग है वो श्री आनंदपुर साहब में ही होला मोहल्ला के त्यौहार में होती है। अगले तीन दिन तक लोगों की इतनी भारी तादाद को खाना खिलाने के लिए पूरे शहर में करीब 200 लंगर लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा लंगर लगेगा इस पूरे आयोजन और जश्न के गढ़ गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब में। गुरुद्वारे के परम पावन स्थान में अरदास करने के बाद श्रद्धालु तख्त साहिब के पास बने लंगर हॉल में पहुंचेंगे। बेसमेंट में है 300/70 फीट के बड़े बड़े गोदाम। ग्राउंड फ्लोर पर है 200/70 फीट का बहुत बड़ा लंगर हॉल और उसके पीछे है करीब 120/70 फीट की एक बड़ी रसोई। अगले तीन दिन में लंगर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। यहाँ हर इंसान को दिल से खाना खिलाया जाता है और यहाँ के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। त्योहार से एक हफ्ता पहले, हाँ जी, जथेदार राम सिंह जी, आप जी नु पता ही है कि जो उत्सव से एक हफ्ते पहले गुरुद्वारा कमेटी की मीटिंग होती है। होला मोहल्ला फेस्टिवल के इंतजाम से जुड़ी कमेटी का हर मेंबर काफी तजुर्बेकार होता है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि होला मोहल्ला की क्या तैयारी हो गई है और कौन सी होने वाली है, अपनी अपनी रिपोर्ट दो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आपको बता दूं कि हमने लंगर का पूरा इंतजाम कर लिया है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस लंगर में आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत। इनकी फैमिलीज पीढ़ियों से गुरुद्वारे में सेवा करती आ रही हैं। मीटिंग में वो तैयारियों के बारे में बात करते हैं। हर एक को अलग काम सौंपा गया है। आखिरकार लाखों लोगों को खाना खिलाना आसान काम नहीं है। त्योहार से एक दिन पहले सुबह सुबह ही स्टोर मैनेजर, एक कमेटी मेंबर और फूड इंस्पेक्टर की गुरुद्वारा कमेटी की टीम 25 किलोमीटर दूर थोक सब्जी मंडी के लिए रवाना होती है। कई दुकानदारों से मोल भाव के बाद आखिरकार वो सब्जियों और दूसरी चीजों के ऑर्डर दे देते हैं। इन चीजों की तादाद इतनी है कि आप चौंक जाएंगे। फेस्टिवल के दौरान 2200 किलो सब्जियां इस्तेमाल होंगी। ये इतनी तादाद है कि 4 लोगों की इंडियन फैमिली को 7 साल से ज्यादा तक खिलाने के लिए काफी है। दिन निकलने पर शहर की सड़कों को पार करते हुए सब्जियों से लदे ट्रक्स गोदाम पहुंचते हैं। यहाँ एक बार फिर इनकी क्वालिटी चेक की जाती है। सब कुछ फिर से तोल कर पक्का किया जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। जब हम सारे सामान को मंडी से लाते हैं तो काफी सारा सामान होता है, तो ऐसी चीजें वेट से दब जाती हैं। फिर हमने सारी चीजों को एक करके चेक करते हैं और फिर भी कोई खराब हो तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर हम बिल से चीज़ों को मिलाते हैं, जितना बिल है उतनी चीज़ें हैं कि नहीं, और फिर बाकायदा उनको हम लोग वज़न भी करते हैं। इस बीच दिल्ली से खरीदा बाकी का सामान बड़े बड़े गोदामों में पहुंच गया है।
लंगर के गोदाम में इसकी अपनी आटा चक्की है। गेहूं का आटा लंगरों में बनने वाली चीजों का एक अहम इंग्रेडिएंट है। चक्की रोजाना 8 घंटे काम करते हुए रोज 5,000 किलो आटा तैयार करती है। इससे 5 लाख से ज्यादा कपकेक्स बनाए जा सकते हैं, यानी साल में ये होते हैं 20 करोड़ कपकेक्स, जो ब्राजील की आबादी को खिलाने के लिए काफी है। किसी भी भारतीय खाने में मसाले सबसे अहम इंग्रेडिएंट होते हैं। यहाँ मसाले अपनी चक्की में ही पीसे जाते हैं, जिससे खाने के टेस्ट और क्वालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे हल्दी है, इलायची है, दालचीनी, टोटल मसाले जितने गरम मसाले हैं जो सब्जी में डलते हैं, वो हम बाहर से नहीं लेते, वो सब हम खुद पीस के ताजो संगत को हम अच्छी चीज दे सके। आधी रात होते ही केशगढ़ साहेब रोशनी से नहा उठता है। मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारे के परम पावन स्थान में अरदासों की रात के लिए जमा होते हैं। वो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जाप करते हैं, जिसे गुरु जी का जीता जागता अवतार माना जाता है। पांच नगाड़ों की थाप से होला मोहल्ला के जश्न की शुरुआत होती है। होला मोहल्ला का जश्न शुरू होते ही रसोई में औरतों का एक ग्रुप सूरज उगने से पहले ही बर्तन साफ करने में जुट जाता है। हम 4 सालों से आ रहे हैं और शादियों में 2:30 बजे दरबार साहब खुलता है और गर्मियों में 1:30 बजे, तो हम उस बर्तनों की जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनकी साहब की सेवा करते हैं। उसके बाद सेवा करके हम यहाँ से फिर चल जाते हैं, शीश गंग गुरुद्वारा में जाते हैं। दिन निकलने के साथ ही दूसरा ग्रुप रसोई में चूल्हे पर रोटियां बनाने में जुट जाता है। ये कार सेवा कर रहे हैं, यानी सेल्फलेस सर्विस, जो सिख धर्म की सबसे जरूरी तालीमों में से एक है। बड़े बड़े बर्तनों और भगोनों के चूल्हे पर चढ़ते ही धुआं उठने लगता है। और सच्ची सिख परंपरा पर चलते हुए इस सब की शुरुआत होती है अरदास से। वाहिगुरु जी की बोले सो नेहा। खाने को कृपाण से पवित्र किया जाता है, जो आस्था से जुड़ी उन 5 चीजों में से एक है जिन्हें एक खालसा रखता है। जब भी लंगर तैयार होता है उसके बाद सतगुरु जी के चरणों में अरदास की जाती है, क्योंकि अरदास करने के बाद ये सतगुरु जी का काम हो जाता है कि इसमें बरकत हो, क्योंकि लाखों की संगत यहाँ लंगर खाती है। उत्सव का पहला दिन, सारी सड़कें मानो आनंदपुर साहिब ही जा रही हैं। बाइक्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स पर सवार होकर हजारों लोग निकल पड़े हैं और इनकी मंजिल है इनके गुरु की नगरी। ये सब गुरु गोविंद सिंह जी के फरमान पर होला मोहल्ला मनाने आनंदपुर साहिब जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और जो संगतें यहाँ आती हैं, उन लोगों के बीच लंगर चलाने की उतनी ही भावना होती है। यहाँ
तकरीबन हर रास्ते पर आपको लंगर लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर तक आपको लंगर मिलेंगे। जो भी रास्ता अनंतपुर साहिब को आता है वहाँ पर हर रास्ते पर जगह जगह लंगर लगते हैं। और अनंतपुर साहिब के चारों तरफ जितने भी गुरुओं के, सिखों के अपने गांवों में, शहरों में जो भी स्थान बने हुए हैं, उन्होंने भी लंगर के लिए यहाँ अपने स्थान बनाए हैं। इसी भीड़ में प्रताप सिंह भी आनंदपुर साहिब से 200 किलोमीटर दूर अपने गांव जाति उमरा से 8 ट्रैक्टर्स और 3 ट्रक्स में अपना जत्था लेकर आ रहे हैं। हर ट्रैक्टर पर एक के ऊपर एक कई लेवल्स बनाए गए हैं और इसमें लोगों के सोने और खाने पीने का भी इंतजाम है। हमारा गांव है जी जाति उमरा, जिला तरनतारन। हम 200 किलोमीटर चल के श्री आनंदपुर साहब आए हैं और बस अभी पहुंचने ही वाले हैं आनंदपुर साहब। बहुत ही ज़्यादा हमारे मन में चाव है कि हम जाके लंगर लगाएं, सेवा करें, संगत को खिलाएं पिलाएं, दर्शन करें और साथ ही वहां पर कुछ सेवा करें। प्रताप और दूसरे गांव वाले शहर की मेन रोड पर अपना खुद का गुरु का लंगर लगाएंगे और इनकी ये परंपरा 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आनंदपुर साहिब में अगले 3 दिनों में 50 लाख लोग आएंगे, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी कमर कसे हुए है। इतने बड़े पैमाने की भीड़ को संभालना एक मेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, जिसके इंचार्ज हैं डेप्यूटी कमिश्नर कर्णेश शर्मा। तो ये होला मोहल्ला से पहले की लास्ट मीटिंग होगी जिसमें बात होगी सारे अरेंजमेंट्स और रिव्यूज की जो कि आपने कर रखे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की बुलाई इस मीटिंग में शहर के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। एसडीएम साहब, आपने जितने भी लोगों को डिप्यूट किया है होला मोहल्ला के सेलिब्रेशन के लिए, क्या उनके स्टे का अरेंजमेंट हो गया है? इसके अलावा जिन जिन सेक्टर्स पर आपने लोगों को डिप्यूट किया है उनके बारे में बताएं। सर, तकरीबन 65 डिपार्टमेंट की ड्यूटीज हमने लगा दी हैं, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे उन्हें कंट्रोल रूम पे लगा दिया। अलग अलग सेक्टर्स पे ड्यूटीज लगी हैं और उन सबकी रिपोर्ट हमारे पास है सर, उन सबकी इन्फॉर्मेशन है। सारे अरेंजमेंट्स जो है ना वो जिला प्रशासन विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारा करते हैं। हमारे यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इट शुड बी प्रॉपर। अब इतने लोगों को जो है मैनेज करना होता है, उनको एक रास्ता देना होता है, उन सबको बिठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ड्यूटीज बांटी जा चुकी है, इसमें सबसे अहम है सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी। ते जड़ियां होर किते किते हैगियां। गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब में रसोई तैयार हो रही है, उस गुरु के लंगर की मेजबानी के लिए जो है गुरु की रसोई यानी लंगर। सिख धर्म में लंगर की रस्म की शुरुआत मानी जाती है खुद इसकी नींव रखने वाले श्री गुरु नानक देव जी से। खाना खाने के लिए सिख पंगत या सीधी लाइनों में बैठते हैं, जिसमें जात धर्म से
ये जो एरिया है हमारी मेन किचन के बाहर का एरिया है, ये बाहर इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी बनता है टोटल लकड़ों के ऊपर बनता है। लक्कड़ से एक तो दाल भी अच्छी बनती है और जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तीन दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को खाना खिलाने के गुरुद्वारे के मकसद में हाथ बटाने के लिए दिल्ली से आए एक परिवार ने गुरुद्वारे की रसोई में लंगर लगाया है। वो हर साल दिल्ली से अपने साथ मसाले, सब्जियां और चावल लाते हैं। वो सब्जियां काटने और खाना बनाने में रसोई में मदद करते हैं। मेरे फादर 1990 से ही यहाँ पे जत्था लेके आते रहे हैं। तब से ही हम सब यहाँ पे आके दो ओकेजन्स पर लंगर बनाते हैं। एक तो है होला मोहल्ला और दूसरा है जी बैसाखी का त्यौहार, जब हम लंगर बनाते हैं। यहाँ आने वाले वॉलंटियर्स बेसिकली काफ़ी यंग हैं, बिकॉज हमें बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत होती है, चीज़ों को जो उठा सकें और कंटिन्यूसली 15-16 घंटे काम कर सकें। ये लोग डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं। इनमें सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि बहुत से हिंदू भाई भी होते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं। हम तो जी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली से आके। हमारे साथ जो लोग हैं उनके बारे में अब क्या कहूँ। सो वी हैव गॉट कलेक्टिव पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। गुरुद्वारे का लंगर साधारण होता है, मगर इसमें थोड़ी मिठास डाली जाती है जलेबियों से, जो चाशनी में डूबी सबकी पसंदीदा मिठाई है। लाइन से लगे 5 चूल्हों में अलग अलग चीजें पकाई जा रही हैं और एक बहुत बड़े बर्तन में खीर बनाई जा रही है। गोदाम से लाए चावलों को साफ करके एक बड़े भगोने में 12 कनस्तर पानी में उबाला जाता है। फिर इसमें डाला जाता है दूध। और फिर 50 किलो चीनी। हर बर्तन में 500 किलो खीर बनाई जाती है। इस बीच गुरुद्वारे के सरोवर में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, जिसके बाद वो गुरु के दर्शन करने जाएंगे। सुबह 11 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था लंगर हॉल में पहुंचता है। लाइनों में खड़े 2000 लोग एक साथ अंदर दाखिल होते हैं। फिर अपनी अपनी थालियां लेकर वो पंगत में बैठते हैं। इसके बाद कार सेवकों का एक दल इन सबको लंगर परोसता है। एक बड़ा सा वाटर प्यूरिफायर पीने का पानी मुहैया कराता है। श्रद्धालुओं को पानी पिलाने के लिए मैकेनाइज्ड ट्रॉलीज इस्तेमाल की जाती हैं। सोलह मिनट के अंदर हॉल में मौजूद हर श्रद्धालु खाना खा चुका होता है। यहां से जाते हुए वो जूठी थालियों को सफाई वाली जगह पर रख जाते हैं। खाली हो जाने के बाद हॉल की सफाई करके उसे दूसरे जत्थे के लिए तैयार किया जाता है। पूरे दिन ये ऐसे ही चलता है, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में रसोई पर दबाव बढ़ जाता है। दिन खत्म होने तक ये गुरुद्वारा 90,000 से ज्यादा लोगों को लंगर खिला चुका होता है। आने वाले 2 दिनों में ये तादाद बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। आनंदपुर साहिब, पंजाब के उत्तर का ये शांत सा शहर होला मोहल्ला के जोश से सराबोर है। गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब में कढ़ा प्रसाद बनाने का काम
कभी नहीं थमता। गुरुद्वारों में बांटा जाने वाला ये प्रसाद बनता है गेहूं के आटे और चीनी से। सबसे पहले घी को पिघलाया जाता है और फिर इसमें गेहूं का आटा मिलाते हैं। प्रसाद को मीठा बनाने के लिए चीनी डाली जाती है और फिर पानी। इस छोटी सी रसोई में 3 दिन में 5,000 किलो कढ़ा प्रसाद तैयार किया जाएगा। तकरीबन 300 किलो कढ़ा प्रसाद बन जाता है एक कढ़ाई में, और हमारे 2 कढ़ाई रेगुलर चलते हैं, मतलब एक बार में हम 600 केजी बनवा सकते हैं कढ़ा प्रसाद। तजुर्बेकार रसोइये 1 घंटे तक प्रसाद को चलाते रहते हैं। ये 600 क्विंटल बनाने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। तैयार प्रसाद को फिर उस जगह ले जाया जाता है जहाँ ये श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। टोटल जो होले मोहल्ले में हमारा 5,000 केजी जो प्रसाद टोटल बनता है कड़ा प्रसाद, वो यही इन 2 बटियों में बनता है। प्रताप सिंह अब यहाँ पहुँच चुके हैं। वो भी प्रसाद लेने के लिए एक काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो सफर है जो वो 20 साल से करते आ रहे हैं। हम लोग 200 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ श्री आनंदपुर साहब पहुँच चुके हैं। यहाँ प्रसाद लेके मत्था टेक के वापस जाकर लंगर शुरू करेंगे। हजारों श्रद्धालुओं के साथ प्रताप गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए मत्था टेकते हैं। शहर की तंग गलियों से कई जुलूस निकलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस ग्रंथ को हमेशा गुरु मानने को कहा था, सिख धर्म के उस पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शहर में सवारी निकलती है। इस सारे जश्न के बीच भीड़ गुरुद्वारे के बाहर बने शहर के सबसे बड़े लंगरों में से एक में पहुंचती है। ये वो लंगर है जिसे चलाते हैं निहंग। अपनी मार्शल आर्ट्स और फौजी महारत के लिए जाने जाने वाले इन निहंगों की परंपराओं में पिछले 300 से ज्यादा सालों में ना के बराबर बदलाव आए हैं। अपने नीले कपड़ों और पगड़ियां बांधे ये निहंग लोहे के कड़ाहों और बर्तनों में खाना बनाते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु उनके लंगर के बाहर रुककर इतिहास का स्वाद चखते हैं। इधर शहर के बीच प्रताप सिंह के लंगर में भी लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। सुबह सुबह 3 बजे से चाय, उसके साथ मट्ठी, शकरपारे, बेसन, जलेबी, पकौड़े शुरू हो जाते हैं। 10 बजे रोटी शुरू हो जाती है और उसके साथ लंगर में 2 या 3 सब्जियां, और सारी सेवा यहां पर संगत मिलजुल के करती है। वो हर चीज पर खुद नजर रखते हैं और गांव वालों को अलग अलग काम सौंपते हैं। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने में गांव के सभी बुजुर्ग हाथ बटाते हैं। लंगर की अपनी आटा चक्की है और उसी आटे से औरतें रोटियां बनाती हैं। आनंद
आनंदपुर साहिब सिखों की जंग की हुंकार से गूंज रहा है। शहर के बीचों बीच मार्शल आर्ट्स या कॉम्बैट ट्रेनिंग की एक एंशिएंट फॉर्म गटका का कंपटीशन चल रहा है। निहंग अपना हुनर दिखाते हैं, ये तो बस उसकी एक झलक है जो कल यानी होला मोहल्ला के आखिरी दिन पूरे शहर में दिखने वाला है। शाम ढलने पर जहां गुरुद्वारा और शहर उत्सव के आखिरी दिन के लिए तैयार होता है, वहीं आनंदपुर साहिब में भारी तादाद में लोगों का आना जारी है। होला मोहल्ला का आज आखिरी दिन है। उत्तरी पंजाब में आनंदपुर साहिब श्रद्धालुओं से सराबोर है। लाखों लोग शहर से 200 से ज्यादा लंगरों में खाना खाने के बाद पास के स्टेडियम में जाएंगे, जहां दिखाई देगी निहंगों की जाबाज बहादुरी और हुनर। जहां गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब में शहनाई गूंज उठी है, तो वहीं निहंग अपनी भारी भरकम पगड़ियों में सजे हुए हैं। आज कीर्तन, शब्द पाठ और अरदासों का दिन है। हर इंसान मिलकर सच्चे बादशाह के सामने अरदास करते हैं। वहीं बाहर निहंगों का एक जत्था गुरुद्वारे की तरफ बढ़ता है। उनके मार्शल स्किल्स को देखकर वहां जमा भीड़ खुशी से झूम उठती है। देखो, होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है। कितनी संगत यहां पर आ चुकी है। पिछली बार 40 लाख के करीब संगत आई थी। आज इस बार हम जो एक्सेप्ट कर रहे थे 50 लाख से ऊपर, लगभग 50 लाख से ऊपर ही संगत होगी। गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब के लंगर हॉल में भीड़ बढ़ती जा रही है। दरवाजों के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं और रसोई में भी काम जोरों शोरों पर है। फेस्टिवल के आखिरी दिन शहर की बाकी सारी रसोइयों के बंद होने के चलते हजारों लोग खाना खाने गुरुद्वारे पहुंचेंगे। रसोई में काम जोरों शोरों से चल रहा है। रोटी मेकर रोटियां बनाने में जुटा है। अगले 12 घंटों में ये 48,000 से ज्यादा रोटियां तैयार करेगा। दाल बनने के बाद कड़ाहे खाली करके धोए जाते हैं और फिर बनाई जाती है सोयाबीन आलू की सब्जी। 1,000 किलो आलू और 60 किलो सोयाबीन बड़ियों को 1 घंटे तक पकाया जाता है। पूरे दिन बारी बारी से दाल और सब्जियां बनाई जाएंगी। सेवादारों के साथ सर्विस स्टाफ दाल, सब्जी और मीठी खीर के बर्तन ट्रॉलीज पर लादकर तेजी से लंगर हॉल तक पहुंचाते हैं। धुले हुए बर्तनों को इन बड़ी ट्रॉलीज में डालकर हॉल तक पहुंचाया जाता है। कार सेवक बाल्टियों में दाल और सब्जियां भरकर भीड़ के आने का इंतजार करते हैं। दरवाजे खुलते हैं और 2,000 लोग अंदर आते हैं। गुरुद्वारे में खिलाया जाने वाला खाना पवित्र माना जाता है। लंगर में जो हमारी चीजें बनी हुई होती है, जैसे दाल है, प्रसादा है, पानी है, चाय है, खीर।
बाहर जत्थेदारों की अगुवाई में आखिरी जुलूस निकल रहा है। शहर के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ते जुलूस के साथ है लाखों की भीड़। स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर लोग जमा हो जाते हैं। आज वो दिन है जिसके लिए उन्होंने तैयारियां की हैं। फाइनल परफॉर्मेंस से पहले हर जत्था अपना हुनर दिखाता है। पर सवार निहंग भीड़ चीरते हुए निकलते हैं। उनकी बहादुरी और जांबाजी देखते ही बनती है। होला मोहल्ला हर एक का फेस्टिवल है, ना कि सिर्फ निहंग सिंहों का। यहाँ हम फेस्टिवल ऑफ वननेस भी सेलिब्रेट करते हैं। होला मोहल्ला का त्योहार या फौज की ललकार का समापन हो चुका है। लेकिन तख्त श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे का लंगर चलता ही रहता है। यहां स्टाफ और सेवादार गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों पर चलते हुए लंगर को हमेशा खुला रखते हैं।